सो आखिर कर क्या रहा है गाइस आप लोग? आपका भाई सीरियसली बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, उसके बाद भी यार गाइस ना तो वीडियो पे ठीक से व्यूज आ रहा है और ना ही आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। क्यों डिमोटिवेट कर रहे हैं गाइस? सीरियसली यार गाइस आपका भाई बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, प्लीज बस एक बार वीडियो को पूरा देख लो, आपकी भाई की मेहनत साफ दिखाई देगी यार गाइस, दिखाई देगी तभी सब्सक्राइब करना, बट प्लीज एक बार देख तो लो। और यार गाइस जिसने भी इसका पहला पार्ट नहीं देखा, ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, एक बार जाके जरूर देख लो, वरना आपको वीडियो समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। सो यार गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं कमाल के वीडियो एडिटिंग ऐप के बारे में जिसका नाम है फिल्मोरा गो। यार गाइस ये ऐप आपको प्ले स्टोर में बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगा। यार गाइस अगर आप यूट्यूब पे नए क्रिएटर्स हैं, अगर आपको वीडियो एडिटिंग करने का शौक है तो ये ऐप आपके लिए ही है। गाइस इस ऐप में आप छोटे छोटे क्लिप्स को इकट्ठे करके एक बहुत अच्छी वीडियो बना सकते हैं, वॉइस ओवर कर सकते हैं, म्यूजिक लगा सकते हैं और कट्स भी लगा सकते हैं। इफेक्ट्स बहुत हार्ड इसमें आपको देखने को मिल जाता है। लास्ट में यार गाइस आप इसे बहुत अच्छी क्वालिटी में एक्सपोर्ट करके यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पर भी अपलोड कर सकते हैं। सो गाइस वाकई में बहुत कमाल का ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन पर जाके डाउनलोड करके एक बार जरूर देखिएगा। और हाँ यार गाइस फिल्मोरा गो का एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी है जिस पर विजिट करके आप और भी ज़्यादा जानकारियाँ ले सकते हो, इसका लिंक भी यार गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके एक बार विजिट जरूर कर लेना। तो अब तुम क्या करोगे रॉकी? अब अपन उन लोगों को बताएगा इंस्पेक्टर कि अपन से पंगा लेके उन लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर ली। पर रॉकी उन लोग बहुत खतरनाक है, तुम उन लोग का सामना करोगे तो करोगे कैसे? जो आदमी पॉर्गेट्री में बैठ के बरमूडा की सरकार चला ले वो आदमी तो खतरनाक होगा ही ना इंस्पेक्टर, पर अपुन का लॉम भी रॉकी है और अगर रॉकी खामोश बढ़ जाए तो फिर पिक्चर में मजा नहीं आएगा ना इंस्पेक्टर। रॉकी पिछले 2 दिन से हमारी पूरी पुलिस फोर्स पॉर्गेट्री में तुम्हारी सोना का पता लगाने की कोशिश कर रही है, पर अभी तक हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, फिर तुम अकेले वहां जाकर सोना का पता कैसे लगाओगे रॉकी? कमाल करते हो इंस्पेक्टर, अपुन को रॉकी भी बोल रहे हो और रॉकी की काबिलियत पे शक भी कर रहे हो। नहीं रॉकी, हमें तुम्हारी काबिलियत पे कोई शक नहीं है, हमें अच्छी तरीके से पता है कि तुम कौन हो और तुम क्या कर सकते हो। पर इस बार रॉकी सामने वाला दुश्मन भी बहुत तगड़ा है, अधीरा का नाम सुन के बरमूडा की पूरी सरकार और गिट्री की पूरी सरकार झुक जाती है। वही तो इंस्पेक्टर, अपुन को लड़ाई का मजा भी तभी जाता है जब अपुन के सामने वाला दुश्मन तगड़ा हो, और यकीन मानो इंस्पेक्टर इस बार खूब जमेगा रंग, क्योंकि आग लगाएंगे हम। हाँ रॉकी, हमें भी तुमसे कुछ ऐसे ही उम्मीद है। अब चलो हेडक्वार्टर, कमिश्नर साहब पिछले 2 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ तो फिर चलो ऑफिसर, अपुन के पास भी टाइम बहुत ही कम है। अरे रॉकी भाई, सलाम रॉकी भाई। सलाम रॉकी भाई। तुम लोग को अपुन का भी सलाम इंस्पेक्टर्स। लो कमिश्नर, अपुन आ गया। अब बोलो कैसे याद किया अपुन को? रॉकी हमें पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, ये सब हमारी वजह से हुआ है रॉकी, ना तुम इन सब में पड़ते और ना तुम्हारे साथ ऐसा होता, हमें माफ कर दो रॉकी। देखो इंस्पेक्टर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो मौत होती है ना इंस्पेक्टर वो पहले से लिखी होती है, अगर उस कुत्ते की मौत अपुन के हाथों लिखी है तो अपुन के हाथों ही मरेगा ना। अब तुम खुद को दोष मत दो इंस्पेक्टर, उसकी मौत खींच के लाई है उसको अपुन के तक, और अपुन उसको उसके घर पे घुस के मारेगा। घर में घुस के क्या मतलब है रॉकी तुम्हारा, कहीं तुम पॉर्गेटरी तो जाना नहीं चाहते? और नहीं तो क्या इंस्पेक्टर, अपुन थोड़ी देर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेगा, अपुन तो उसके इलाके में घुस के उसको उदृष्ट ठोक के आएगा, क्योंकि जब तक अपुन उसको सजा नहीं देगा ना तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि उसने गलती कितनी बड़ी की है, और अपुन उसको बहुत ही दर्दनाक सजा देगा इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर तुम खाली अपुन के पॉर्गेटरी जाने का इंतजाम करो, बाकी अपुन उदरिज देख लेगा। रॉकी तुम एक बार फिर सोच लो, क्या तुम सच में पॉर्गेटरी जाना चाहते हो? अपुन खाली एक ही बार बोलता है इंस्पेक्टर, उसके बाद अपुन का जवाब वही होता है। तो फिर ठीक है रॉकी, बताओ कब जाना चाहोगे तुम पॉर्गेटरी? वो कहते हैं ना इंस्पेक्टर, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल लय होएगी, काम करेगा कब, और अपुन तो रॉकी है, अपुन करेगा अब। तो फिर ठीक है रॉकी, अब जब तुमने ठान ही लिया है तो ठीक ही होगा, चलो अभी चलकर मैं तुम्हारे पॉर्गेटरी जाने का इंतजाम कर दिए देता हूँ। पर एक बात याद रखना रॉकी, पूरा पॉर्गेटरी अधीरा के अधीन है, उसका खौफ चलता है वहाँ, तुम किसी भी आदमी पर आग मूंद के भरोसा मत करना। फिकर नॉट इंस्पेक्टर, अपुन खाली खुदिज के ऊपर भरोसा करता है, बाकी सब अपुन के लिए मोह माया है। लो रॉकी हम पहुंच गए, हमारा साथ सिर्फ यहीं तक था, आगे का सफर तुम्हें अकेले तय करना है।
आओ रॉकी आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे हम। हमें इंतजार था कि कब तुम आओ और कब उस अधीरा का काम तमाम हो। क्या तुम इस मिशन के लिए तैयार हो रॉकी? खाली दिखने की बात अलग है ऑफिसर, अंदर से अपन हमेशा रेडी रहता है। हाँ रॉकी, हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। हमें पूरा यकीन है कि तुमने जिस तरह से बरमूडा और कलहारी से गुंडों का राज हटाया, तुम पॉर्गेटरी से भी अधीरा का राज हटा ही दोगे। बिकर नॉट ऑफिसर, राज की क्या बात करते हो, अपन तो पॉर्गेटरी से अधीराज को हटा डालेगा। तो फिर ठीक है रॉकी, तुम पॉर्गेटरी जाओ और वहाँ जाकर सबसे पहले ब्राजीला में हमारा एक छोटा सा ऑफिस है, वहाँ के ऑफिसर से मिल लेना, वो इस मिशन में तुम्हारी मदद करेंगे। मदद नहीं ऑफिसर, अपन को खाली लोकेशन चाहिए, काम तो अपन अकेला ही करता है। तुम्हें जो भी चाहिए रॉकी, वो सब तुम्हें उनसे मिल जाएगा। तो फिर ठीक है ऑफिसर, समझ लीजिए कि आपका काम हो ही गया, क्योंकि अब अपन उस अधीरा को छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसने अपन के घर पे हाथ डाला है, और रॉकी के घर पे हाथ डालोगे तो हाथ कटेगा ही ना। अरे कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? ऑफिसर अपुन का नाम रॉकी है, क्या तुम ही यहाँ के हेड हो? ओह तो आप ही हैं रॉकी, आज सुबह ही हमें आपके आने का न्यूज़ मिला था। चलिए मेन ऑफिसर अंदर है, अंदर चलिए। आइए रॉकी आइए, स्वागत है आपका पॉर्गेट्री में और हमारे ऑफिस में भी। बहुत सारी सुना है हमने आपका, और आपको देख के ऐसा लगता है कि जो भी सुना है सब सही ही है। अपुन को भी तुमसे मिलकर खुशी हो ऑफिसर, पर वो क्या है ना, अपुन के पास टाइम थोड़ा कम है, तो तुम अपुन की जो भी मदद कर सकते हो फटाक से कर दो। देखो रॉकी, सबसे पहली और जरूरी बात, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम अधीरा को ढूंढोगे और उसे मार दोगे, तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, क्योंकि अधीरा को ढूंढना इतना आसान नहीं है। पॉर्गेट्री बहुत बड़ा है और यहाँ अधीरा को इतनी आसानी से तुम नहीं ढूंढ सकते, और अगर उस तक पहुँच भी गए तो उसे मारना इतना आसान नहीं होगा। डोंट वरी ऑफिसर, अपन वो खेल ही नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा ही तब है जब हारने का रिस्क हो। तुम खाली अपन को ये बताओ कि अपन का अधीरा मिलेगा किधर। ठीक है रॉकी, मैं तुम्हें अधीरा का परफेक्ट लोकेशन तो नहीं बता सकता, पर उसका एक खास आदमी तुम्हें ऊपरी ब्राजीला में मिल जाएगा, जो शायद तुम्हें उसका लोकेशन बता सके। पर रॉकी, उससे पहले तुम इंस्पेक्टर आशुतोष से मिल लो प्लीज़। तो फिर ठीक है ऑफिसर, अगर तुम यही चाहते हो तो अपन अभी जाके उस इंस्पेक्टर से मिलता है। हाँ रॉकी, आप एक बार इंस्पेक्टर से मिल लीजिए, अगर कुछ पता ना चले तो फिर जाकर आप उसे खास आदमी से पता कीजिए। अपुन का हेल्प करने के लिए थैंक यू ऑफिसर, अब अपुन चलता है। अरे ओ भाई, कौन हो तुम और क्या काम है तुम्हें यहाँ? हवलदार, अपुन को तुम्हारे साहब से मिलने का है, अपुन को अंदर जाने दो। वो तो ठीक है बरखुदार, पर पहले अपना नाम और काम बताओ। हवलदार, नाम अपुन का रॉकी है और काम अपुन अधीरा का तमाम करने वाला है, अब बोलो अंदर जाने दोगे या नहीं? क्या बात कर रहे हो, क्या तुम सच में रॉकी हो? क्या तुम सच में अधीरा को मार डालोगे? हाँ हवलदार, अपुन कोई भी काम को अधूरा का भी नहीं छोड़ता, अपुन एक ही बार बोलता है और उसके बाद अपुन उसको पूरा ही करता है। तो फिर ठीक है, साहब अंदर है, तुम अंदर जाके मिल लो उनसे। अरे ओ हीरो, कौन है रे तू और क्यों आए रे इधर? इंस्पेक्टर, अपुन का नाम रॉकी है और अपुन इधर इसलिए आया है ताकि तुम मुझे अधीरा का पता बताओ। अगर तुम नहीं बताओगे तो अपुन पता लगाने को निकलेगा, और अगर अपुन निकला तो पूरे पॉर्गेटरी में खून खराबा होगा। अरे ओ हीरो, तू किसके बारे में बात कर रहा है, तेरे को कुछ पता भी है? अगर वो यहाँ आ गया ना तो तुझे जान से मार डालेगा वो। चल झूठा, अगर वो इधर आ भी गया ना तो अपुन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन एक बार वो अपुन के हाथ लग गया ना तो फिर उसको अपुन के हाथ से कुछ नहीं बचा सकता। बहुत बढ़िया, चल अब निकल यहाँ से, बड़ा या धीरा को मारने वाला। एक बहुत पुरानी कहावत है इंस्पेक्टर, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, और अपुन की पहचान तो तू कर ही नहीं सकता, क्योंकि लड़की पे हाथ डालने वाला हर कोई लवर नहीं होता, बंदूक पे हाथ रखने वाला हर कोई शूटर नहीं होता, और अपुन की पहचान अपुन को चाहने वालों के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। अभी अपुन चलता है इंस्पेक्टर, पर जल्द ही मुलाकात होगी। हेलो, हाँ धीरा भाई, वो सारा रॉकी आ चुका है, यहीं आया था मेरे पास, आपका पता पूछ रहा था। तो तुझे मैंने किस दिन के लिए पाल रखा इंस्पेक्टर, थोड़ी खातिरदारी कर उसकी। जी अधीरा भाई,
आप फिकर मत कीजिए, उस रॉकी का तो अब मैं बहुत अच्छी तरीके से खातिरदारी करूंगा। क्या बे लड़के, कौन है रे तू और यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं क्या, ये हमारा इलाका है, यहाँ आएगा तो मारा जाएगा। अबे जा बे बच्चे, तू क्या मारेगा अपुन को? चल अपुन तेरे को एक जीने का मौका देता है, सीधे से अपुन के सवाल का जवाब दे और अपना जान बचा के निकल इधर से। क्या बोला बे तू? तू मारेगा हम लोग को? जानता भी है हम लोग कौन है? बेटा धीरा भाई के आदमी है हम लोग, हमसे पंगा लेगा तो जमीन में गाड़ देंगे तेरे को। ये बात तो तू अपुन को जमीन में गाड़ेगा? अबे ओ चूजे, पहले अंडे से तो निकल जा, उसके बाद तू अपुन को जमीन में गाड़ने की सोचना। बहुत ज्यादा बात कर दिया रे तूने, हमारे इलाके में आके तू हम ही को मारने की धमकी दे रहा है। बहुत बड़ा गुंडा समझता है क्या बे अपने आप को? हमसे पंगा लेके तूने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अब तू तो गया बेटा, मरेगा, अब तू पक्का मरेगा। अबे ओ बिटवा, नींद में है काबे, अपुन तेरे को जीने का मौका दे रहा है और तू साला अपुन से ही मुंहजोरी कर रहा है। अबे तकलीफ हो जाएंगी तेको। अपुन एक आखिरी बार तेरे से प्यार से पूछ रहा है, सीधे से बता दे अपुन को कि तेरा बाप अधीरा किधर मिलेगा अपुन को। अच्छा ये बात नहीं बताएंगे, बोल क्या कर लेगा बे तू हम लोग का? ओ तेरी, अपुन ने तेरे को समझाया पर शायद तू समझ नहीं पाया, अपुन को माफ कर देना दाऊ। अबे ये क्या, इसने तुझे सच में मार डाला। अबे निकल निकल, अबे भगा रे भगा, यहाँ से निकाल बे गाड़ी। देख लिया ना दाऊ, जिनके दम पर तू कूद रहा था वो तो एकदम से भाग गए। खैर अपुन को क्या, अपुन को तो सिर्फ उस अधीरा से मतलब, और उस अधीरा को अपुन से अब कोई नहीं बचा सकता। फिर चाहे वो पॉर्गेट्री में या फिर इस दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए, अपुन उसे उधर से ढूंढ के निकाल के चांस से मार डालेगा। सो यार गाइस, होपफुली आपको रॉकी भाई का ये वाला पार्ट भी सही लगा होगा। यार गाइस, इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपन बहुत जल्दी लेकर आएंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्शन और कुछ सस्पेंस देखने और सुनने दोनों के लिए मिलेंगे। सो गाइस हो जाइए तैयार, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट होने वाली है और भी ज़्यादा हार्ड। सो गाइस, अगर आपकी भाई की मदद अभी भी आपको थोड़ी सी भी दिखाई दी होगी ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस चलिए फिर मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय गाइस।